जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा हफीज है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है वालमार्ट टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। वालमार्ट टू अमेजोन क्या है? बेसिकली वालमार्ट एक वेबसाइट है जहाँ से हम जो है आइटम्स बाय करके किसी भी दूसरी वेबसाइट के ऊपर सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ईबे भी एक वेबसाइट है, इसी तरह से अमेजोन भी एक वेबसाइट है। अमेजोन से परचेज करके हम वालमार्ट पे भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लर्न करेंगे कि वालमार्ट से अमेजोन पे किस तरह से ड्रॉप शिपिंग की जाती है, ठीक है। मतलब कि एक बंदे ने ऑर्डर प्लेस किया मुझे अमेजोन के ऊपर और मैंने उसे वालमार्ट पे सर्च करके सस्ते में फाइंड करके उसको मैंने शिप आउट कर दिया, ठीक है। ये है वालमार्ट। अब सबसे अहम बात क्या है, ठीक है, इसमें आपको तीन एक्सटेंशन जो है ये इंस्टॉल करनी होंगी। एक है अमेजोन सेलर ब्राउजर, ठीक है। ये आपको क्या चीज शो करवाती है, ये आपको BSR आपके प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी और आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसके बारे में आपको बता देता है कि सोल्ड बाय अमेजोन है या कोई FBA सेलर इसको सेल कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस लिंक कूपन्स, ये भी एक जो है एक्सटेंशन है, ये आपको क्या चीज बताती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे प्राइस लिंक जो है ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ये आपको बताएगी एक्सटेंशन की आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने सिर्फ इनको इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद अमेजोन असिस्टेंट एक जो है एक्सटेंशन है आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना। मैंने तीनों जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है। अमेजोन असिस्टेंट भी है, DS क्विक व्यू भी है मेरे पास, इसको अमेजोन प्राइम ब्राउजर के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के सेम फंक्शन है और प्राइस लिंक कूपन्स भी मेरे पास है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्राइटेरिया रीड करते हैं। क्राइटेरिया क्या है जो आज मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ हंटिंग के लिए। आप वॉलमार्ट से अमेजोन जब भी आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है सेम यही आपने मेथड फॉलो करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा। अच्छा, प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल ऑन द बोथ साइड। नंबर वन चीज क्या है, वॉलमार्ट पे भी प्रोडक्ट आपका अवेलेबल हो और अमेजोन पे भी अवेलेबल हो। आज का सेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट का होगा। तो आपने इसमें बेसिक बेसिक चीजें लर्न करनी है, ठीक है। तो मैं आज आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि अगर वॉलमार्ट पे अवेलेबल नहीं है तो आपको ईबे पे भी ये मिल जाएगा। वैसे ईबे वाला हम कल को जो है लेक्चर जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे ही सैम क्लब वाला था सेम वैसे ही ये वाला लेक्चर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, वो भी हम देख लेंगे क्या है। रेटिंग आपकी 200 से ज्यादा होनी चाहिए जो वॉलमार्ट के ऊपर प्रोडक्ट आप देख रहे हो। आइटम शुड बी गुड इन द सेल, ठीक है। प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्राइस शुड बी मोर देन $40, ठीक है। आपके प्रोडक्ट की प्राइस वॉलमार्ट के ऊपर $40 से अबव होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि $40 से अबव होगी तो आपको शिपिंग फ्री मिलेगी। $34 की प्राइस के ऊपर आपको शिपिंग फ्री मिलती है, लेकिन यहाँ पे मैंने 40 लिखा हुआ है, ठीक है। 34 से अगर कम होगी तो आपको शिपिंग पे करनी पड़ेगी वॉलमार्ट के ऊपर। देयर शुड बी प्राइस डिफरेंस विद अदर सेलर, मतलब कि अगर अब इसमें फर्क नहीं पड़ता कि अमेजोन के ऊपर FBA सेलर सेल कर रही है या FBM, जो मर्जी सेलर हो, लेकिन वहां पे एटलीस्ट 4 से 5 सेलर होने चाहिए। FBA भी हो सकता है, FBM भी हो सकता है। प्रोडक्ट शुड बी मोर देन 100, ठीक है। प्रोडक्ट के जो रिव्यूज हैं वो 100 से ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, मी टू सेलर शुड बी मोर देन 4, BSR वही 40 जो मैंने पहले बताया हुआ आपको। प्राइस शुड बी मोर देन $40, ओके। उसके बाद रेटिंग आपकी 4 होनी चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्लासी टूटने वाला नहीं होना चाहिए, नॉट गेटेड, ठीक है। और 8% से ज्यादा का प्रॉफिट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आपको जो है याद होना चाहिए जब भी आप काम करना है आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने अमेजोन पे सिंपली अकाउंट बना लेना है, ठीक है। आप अमेजोन सॉरी वॉलमार्ट पे आपने अकाउंट बना लेना है। मैं यहाँ पे वॉलमार्ट लिखता हूँ गूगल के ऊपर, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, कोई क्रेडिट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे सिंपली आप जो है walmart.com पे आओगे और यहाँ पे आपने साइन अप जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। आप डायरेक्ट यहाँ पे वॉलमार्ट साइन अप भी लिख सकते हो। सिंपल आपने जो है USA का कोई भी एड्रेस पकड़ के वो लिख देना है और अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको साइन कर लूंगा। क्रिएट अकाउंट के ऊपर जाना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम देने के बाद जो नेक्स्ट सेटअप होगा उस पर आपसे एड्रेस पूछेगा। आप आओ यहाँ पे USA सॉरी यहाँ पे न्यूयॉर्क होटल्स का, किसी भी होटल का या किसी भी घर का कोई भी एड्रेस अगर आपके पास पड़ा हुआ, आपने वो कॉपी करके यहाँ से जितने भी ये होटल्स वगैरह नजर आ रहे हैं किसी का भी कोई एड्रेस पकड़ के आप यहाँ पे दे दो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेटअप होगा उसके ऊपर, तो ये आपका अकाउंट बन जाएगा सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी जो है अपना अकाउंट लॉग इन किया हुआ है। ये देखिए उसामा के नाम से मेरा अकाउंट यहाँ पे लॉग इन है, ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी हंटिंग। हंटिंग के लिए जो बेसिक मेथड है, अगर आपको किसी ब्रांड नेम का पता है, जैसे कि मेन स्टे एक ब्रांड है, ठीक है, मेन स्टे एक ब्रांड है, ये एक ऐसा ब्रांड है कि इसके साथ काफी सारे लोग जो है मीटू करके सेल करते हैं, और ये प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट इसके ऊपर भी पड़े होते हैं, वालमार्ट के ऊपर भी, और इसके प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर भी पड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें प्राइस का कुछ डिफरेंस होता है, $10 का, $20 का वालमार्ट के ऊपर। बेसिकली क्यों वालमार्ट से हम करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से प्रॉफिट मिल जाता है, हमें यहाँ से, अगर आपके पास गिफ्ट कार्ड है, गिफ्ट कार्ड से अगर आप परचेज करते हो, लास्ट टाइम जब मैंने वालमार्ट से अमेजोन करता था तो मेरे क्लाइंट के पास गिफ्ट कार्ड था और उसकी आईडी टैक्स एग्जेम्प्ट थी। आपको इसके ऊपर कितना टैक्स पड़ता है एक प्रोडक्ट के ऊपर? 6.2% आपके टोटल प्राइस का इसके ऊपर आपको टैक्स पड़ता है। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से पड़ता है, ठीक है। मेन स्टे एक ब्रांड है जो कि दोनों साइडों पे, ये कॉमनली आप और भी ब्रांड सर्च कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको ये यहाँ पे भी सर्च करके दिखाता हूँ और यहाँ पे अमेजोन के ऊपर भी सर्च करके दिखाता हूँ। मेन स्टेज की जो काफी सारी चीजें हैं वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। मेन स्टे जो है एक ब्रांड है जो कि वालमार्ट के ऊपर भी चीजें सेल कर रहा है और यहाँ पर भी चीजें सेल कर रहा है, ठीक है। तो आप पता क्या करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आपने जो है तीन चार प्रोडक्ट्स ओपन कर लेने हैं, उनको आपने वालमार्ट के ऊपर चेक करना है। ये आपको हंटिंग के तीन चार मेथड बताऊंगा मैं, ठीक है। किसी भी ब्रांड का नाम सर्च कर लो, उसके प्रोडक्ट्स निकाल के वालमार्ट के ऊपर सर्च कर लो आप, ठीक है। ये जो है जैसे इसको इसका मैंने टाइटल कॉपी किया मेन स्टेज का, इसकी पिक्चर भी मैं अच्छी तरह देख लेता हूँ। देखने के बाद जो है मैं यहाँ पे, हाँ अच्छा, देखने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं इसको सर्च करता हूँ, मे बी मुझे ये आइटम यहाँ पर मिल जाए। तो ये देखिए, ये वो वाली सेम आइटम मुझे यहाँ पे मिल गई है। यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है? 325 का, और यहाँ पे कितने का सेल हो रहा है? $257 का, ठीक है। ये वाली पहले मैं एक बार गौर से देख लूँ कि सेम वही आइटम है या कोई, ये कह रहा है 3 सीटर, हाँ 3 सीटर यहाँ पे है बिल्कुल। मेन स्टे न्यू कैलीमॉन्ट पार्क, अच्छा, कैनोपी पॉर्च स्विंग बेड, यहाँ पर भी देख लो आप 3%, ठीक है। इसको अच्छी तरह ओपन करके देख लो, मे बी कोई डिफरेंस हो कोई छोटी मोटी चीज का, ठीक है, अच्छी तरह से देख लो आप। इसके भी यहाँ पर डिजाइन है और उसके भी यहाँ पर डिजाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट जो है मुझे यहाँ पे मिल रहा है $257 का, और ये अमेजोन पे सेल हो रहा है 325 का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कितने का लिस्ट करना है इसको यहाँ पे देख लो, एक क्राइटेरिया को फॉलो करें यही वाला, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है 325 का, और जो सेकंड वाला है, अब मैंने इसको बीट करना है। इसको बीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको सेल करूंगा 324 का या 325.60 का मैं सेल करूंगा, तो मैं पहले नंबर पे आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड नंबर पे आप देख रहे हो, इस बंदे के पास रेटिंग 58 की है, इसके पास रेटिंग 1 है, और इसका 100% पॉजिटिव रेट है, और इसका 72%, अच्छा। और ये कह रहा है कि 3 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक, अच्छा, इसकी शिपमिंग भी लेट है, लेकिन इसके पास रेटिंग अच्छी है, इस वजह से ये टॉप पे आ रहा है, बाय बॉक्स इसके पास है, ठीक है। अगर मेरे पास रेटिंग अच्छी होगी, मेरे पास और पॉजिटिव रेट मेरा अच्छा होगा, तो मैं इजीली इसको बेट कर सकता हूँ, मैं 324 का लगा दूंगा, तो मैं पहले नंबर पे आ जाऊंगा। अब ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जिस बंदे के पास रेटिंग अच्छी होगी वो इस प्रोडक्ट को इजीली बेट कर सकता है। ये मेन स्टे मैंने आपको एक, अभी मैं लेक्चर से पहले मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो मैंने मेन स्टे का नाम लिखा तो मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला था, तो ये बाय चांस जो है मैंने लेक्चर के ड्यूरिंग आपके सामने सर्च किया तो ये प्रोडक्ट आ गया मेरे सामने। अब इसमें और अमेजोन की प्राइस में काफी सारा मुझे डिफरेंस नजर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, शीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। शीट में आप क्या करो, आप शीट में क्या करो, आपने जो प्राइस है वो लिखनी है। सबसे पहले आप, मैं आपको टैक्स के बारे में बता दूं, अमेजोन पे आपका टैक्स कितना चार्ज होता है? 8% आपका जो टैक्स है वो चार्ज होता है, और वालमार्ट के ऊपर आपका टैक्स 6.2% होता है। ये अभी मैं आपको इसकी परसेंटेज निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने इसको एड टू कार्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको कोई क्रेडिट कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है जब आपने हंटिंग करनी है, या इसकी मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपने व्यू कार्ड पे आना है, व्यू कार्ड पे आने के बाद कुछ प्रोडक्ट मैंने मेरे ख्याल में पहले लगाई हुई है, तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, नहीं यहाँ पे नहीं, अच्छा। तो ये देखो,
यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है, आई थिंक कोई इशू आ रहा है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको एक्सटेंशन का बताया था, ये देखो, ये आपको एक्सटेंशन नजर आ रही है, ये प्राइस कंपेयर दिस प्राइस, ठीक है। अब यही आइटम मुझे ईबे के ऊपर $319 का मिल रहा है, ठीक है ठीक है। अगर ये मुझे शॉपिफाई के ऊपर मिल रहा होता है, या अगर मुझे वॉलमार्ट के अलावा किसी और वेबसाइट पे मिल रहा होता, तो वहाँ यहाँ पे उसका भी लिंक आ जाता, ठीक है। प्राइस लिंक जो है, वेबसाइट जो एक्सटेंशन है, उसका फायदा भी यही है कि ये आपको जो है, अब काफी सारे लोग क्या करते हैं, ये आइटम ये वॉलमार्ट पे नहीं मिल रहा, इसको गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं, तो ये एक्सटेंशन आपको इधर उधर भागने से आपकी हेल्प करती है कि आप जो है इसको ना तो गूगल पे देखो और ना ही यहाँ पे देखो, ठीक है। इजीली आप जो है इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपको इसकी पता लग जाएगा कि इसकी जो प्राइस है ईबे पे कितनी है और डिफरेंट वेबसाइट्स पे कितनी है। अच्छा मैं इसको जरा जो है अपने कार्ट में ऐड कर लिया मैंने, मैं अब कार्ट को देखूंगा तो यहाँ पे मुझे जो है इसकी शिपिंग का पता लग जाएगा। कंटिन्यू टू चेक आउट, ये मेरे ख्याल यहाँ पे कोई इशू आ रहा है इसका। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, इसको देख लेते हैं, साइन इन कर लेते हैं। ये साइन इन जो है मेरा ऑफ हो गया था। आप मेक श्योर कर लो कि आपने साइन इन किया हो, अब मेरा यहाँ पे साइन इन नहीं था तो इसलिए जो है मुझे इसने शो नहीं करवाई प्राइस। अच्छा, ये मैं बिगन, अभी देखो यहाँ पे मुझे जो है शिपिंग इसकी फ्री में मिल रही है, ठीक है। ये मैं इसका आपको दिखा देता हूँ मेन पेज के ऊपर भी। अच्छा, यही वाली आइटम जो है, ये देखें, ये जो आपको ये एक्सटेंशन नजर आ रही है ना साइट पे, ये वाली अमेजोन असिस्टेंट, अब ये कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे सर्च करोगे या किसी भी वेबसाइट पे सर्च करोगे ना, तो आपको ये जो अमेजोन असिस्टेंट है, ये मतलब कि ये वाली जो ये प्रोडक्ट है, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये फौरन यहाँ पे साइट पे आके मुझे बता देगा कि अमेजोन असिस्टेंट की ये वाली जो आइटम है, ये अमेजोन पे अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अमेजोन असिस्टेंट जो ये वाली जो एक्सटेंशन है, इसका ये वाला फायदा है, ठीक है। इसका बेसिक जो फायदा है वो यही है। अच्छा, ये देखो, ये मैंने जो प्रोडक्ट है, ये $200 का मिल रहा था, ठीक है। ये वो वाली प्रोडक्ट नहीं जो मैंने आपको दिखाई थी। अब मैं आपको ना यहाँ पे जो टैक्स है उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि $34 से अबव का आपका प्रोडक्ट होगा तो वो जो है आपको शिपिंग फ्री मिलेगी उसकी, ठीक है। तो इसमें शिपिंग फ्री है, और ये मुझे कितना यहाँ पे चार्ज कर रहा है, 13.2, ठीक है। तो आओ कैलकुलेटर पे हम इसको देखते हैं कि 13.2 कितना बनता है। हमने 200 को जो है, सॉरी, 13.32 हमारी जो परसेंटेज है, इसको हमें निकालना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और इसको डिवाइड कर देंगे हम 200 पे, ठीक है। तो मेरे पास ये परसेंटेज आ गई है, ये 6.6 जो है यहाँ पे चार्ज कर रहा है मुझे, ठीक है। 6.2, 6.3, ठीक है, राउंड अबाउट इतने की जो है ना आपकी जो टैक्स है, इतना आपको पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर शिपिंग आपको फ्री होगी, और शिपिंग की आपने टेंशन नहीं लेनी, जैसे कि सैम्स क्लब के ऊपर आपको शिपिंग जो है वो पड़ती थी। इसके अलावा जो है आपको, अगर ईबे से आप लेते हो तो वहां पर आपको फ्री शिपिंग भी मिलती है, लेकिन वहां पे आपको शिपिंग चार्ज भी होती है बाज दफा। तो इसके ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर जब भी आपने हंटिंग करनी है, तो $34 से अबव का प्रोडक्ट है तो आपको उसके ऊपर फ्री शिपिंग ही मिलती है। आपको जो है फ्री शिपिंग का जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी आपको नजर आ जाता है। एक मिनट, मैं अगर बैक जाऊं इस प्रोडक्ट के ऊपर, ये वाली प्रोडक्ट है, ये देखिए मुझे यहाँ पे ये बता देगा, ये 3 ईयर 4 एयर प्लान क्या चीज है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा फ्री शिपिंग, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने हंट करना है ना, तो आपने अपनी जो डिलीवर डेट है वो लाजमी देख लेनी है। ये ना हो आप अमेजोन पे, मिसाल के तौर पे आज 20 तारीख है और आप शिप कर रहे हो उसको 24 दिसंबर को, ठीक है, और 24 दिसंबर को आपने शिप करना है, तो एटलीस्ट ये प्रोडक्ट आपको 21 दिसंबर को मिलना चाहिए, ठीक है।
तकरीबन 3 दिन अर्लियर आपको जो है वॉलमार्ट से प्रोडक्ट मिलना चाहिए। लेकिन जो मैंने आपको रूल बताया हुआ है कि अगले 7 दिन में आपका प्रोडक्ट शिप होना चाहिए, ठीक है, तो ये 22 दिसंबर को ये बंदा, ये वॉलमार्ट वाला, ये शिप कर देगा, ठीक है, ये शिप कर देगा, या 22 दिसंबर को ये पहुंचेगा, या 22 दिसंबर को ये शिप कर देगा। यहाँ पर तो अराइव लिखा हुआ, लेकिन सम टाइम जो है ये आजकल क्रीज है, या सम टाइम जो है इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, या कोई भी 100 तरह के मसले आ जाते हैं, तो जो डेट है वो स्पेसिफिक नहीं रहती। तो वॉलमार्ट की जो ट्रैकिंग है वो भी आपको बाज दफा लेट मिलती है, ठीक है। आप लोग काफी सारे लोग जो है उनको ट्रैकिंग का इशू आता है, लेकिन हम ट्रैकिंग का भी काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम हंटिंग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आप मैं आपको ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है 257 का, मैंने कितने का सेल करना है अमेजोन के ऊपर। अब सपोज करो, अब सिर्फ टैक्स का कॉलम, ये जो शीट मैंने आपको दे रखी है ना, आपने इसमें से सिर्फ एक चीज एडिट करनी है, ये अमेजोन का URL, यहाँ से आपने इसको मिटा के यहाँ पे वॉलमार्ट लिख देना है, वॉलमार्ट URL, और उसके बाद SN को मिटा के आपने यहाँ पे अमेजोन URL लिख देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो आइटम है मुझे यहाँ पे मिल रहा है, मैं इसका जो URL है ये उठा के यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आके लिख दूंगा अमेजोन URL, सॉरी आप ये जो SN है इसको मिटा के आप यहाँ पे वॉलमार्ट लिख लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वॉलमार्ट का लिख लेता हूँ, और यहाँ से रैप टेक्स कर लेता हूँ, और यहाँ पे वॉलमार्ट का आ गया, यहाँ पे अमेजोन का आ गया, ठीक है। तो SN की जगह पे वॉलमार्ट का कर लो, अमेजोन URL की जगह आप उसका कर लो, अमेजोन के ही रहने दो। और उसके बाद एक चेंजिंग क्या करनी है आपको, टैक्स जो है ना, आपने टैक्स का जो फार्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, ये 6.2 मैंने अभी लगाया, ये आप पता क्या रखो, आपने जो शीट है पूरी की पूरी शीट जो है आपने खाली करके यहाँ पे आपने फार्मूला इस तरह से एडजस्ट करना है। अब अमेजोन की ये बनी हुई है, अमेजोन 8% आपको टैक्स चार्ज करता है, तो ये ऑलमोस्ट आपको 6.3 या 6.2 आपको चार्ज करता है, तो मैं यहाँ पे 6.3 जो है ये कर दूंगा, और मेरा जो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी जो पुट करूंगा, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे कितने का मिल रहा है, यहाँ पे 257 का परचेज प्राइस मेरी क्या होगी, $257 की मेरी जो परचेज प्राइस है, ठीक है। और मैं कितने का सेल करूंगा इसको अमेजोन पे, 325 का या 324 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो अब मैं देखता हूँ मुझे इसके ऊपर कितना टैक्स पड़ रहा है, 16.91 मैं फार्मूला यहाँ पे देख लेता हूँ, बिल्कुल वही वाला है, ठीक है। तो आ जाओ उसी प्रोडक्ट के ऊपर, मैं आपको टैक्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट था, इसको एड टू कार्ट करते हैं हम लोग, कार्ट में आ गया। अब मैं अब व्यू कार्ट पे जाता हूँ, व्यू कार्ड पे जाऊंगा, मैं जो पीछे वाली जो प्रोडक्ट है उसको निकाल देता हूँ, मैं ये वाली थी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं देखता हूँ बिगन चेकआउट पे मैंने क्लिक कर दिया, अब मुझे यहाँ पे कितना कंटिन्यू टू चेकआउट, एक मिनट थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो मुझे यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बताएगा ये रिव्यू ऑर्डर में, वो तकरीबन राउंड अबाउट 16 to 17 डॉलर्स के करीब होगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपको कितना बताया था, 17 पॉइंट, तकरीबन 16 to 17 के करीब करीब होगा, ठीक है। तो आप जो रेशियो है टैक्स की 6.5 कर लो यहाँ पे, ठीक है। 6.5 अगर मैं कर लेता हूँ तो ये 17 मेरे ख्याल हो जाएगा, 6.6 था, तो ये राउंड अबाउट तकरीबन कहीं 17 के करीब बनता है, ठीक है। तो काफी दफा जो मोटी मोटी प्रोडक्ट्स होती हैं, बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स 200-250 डॉलर की, उनके ऊपर आपको 6.2 या 6.6 का राउंड अबाउट जो है ना आपको टैक्स पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ से आके एग्जैक्टली चेक भी कर लो। अगर अब सबसे अहम बात यहाँ पे क्या है कि मुझे यहाँ से प्रॉफिट कैसे मिलेगा, मुझे यहाँ पे ये शीट में तो मैंने डाल लिया, ठीक है, अमेजोन की फीस जो होगी $48 की होगी, टैक्स मुझे पड़ रहा है, और मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट कितना हो रहा है, एक मिनट कुछ पर्सन है उनको ऐड कर लो। अच्छा, अब मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है $1 का, तो ये प्रोडक्ट तो मेरे किसी खाते का ही नहीं, इसके ऊपर ROI भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अमेजोन के ऊपर ये जो है काफी महंगा सेल हो रहा है, और मुझे काफी सस्ता मिल रहा है वॉलमार्ट के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा। अब जो मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ ना, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप वॉलमार्ट से अमेजोन एक्सपर्ट कहलाओगे। सबसे पहला काम, मैं टैक्स एग्जाम्प्ट अगर करवा लेता हूँ तो टैक्स मुझे 0 पड़ जाएगा,
डॉलर कितना मेरा यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो होगी, $18 की प्रॉफिट हो यहाँ पे मेरी जो रेशियो वो बढ़ गई है। ठीक है, अगर मैं इसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज करता हूँ इसी प्रोडक्ट को, ये जो मुझे मिल रही है 257 की, तो मुझे इसके ऊपर 0.95 मतलब के 5% का इसके ऊपर मुझे अमेजोन बैक कर देगा, मेरा जो कैश है कैश बैक कर देगा। ठीक है, वालमार्ट, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो वालमार्ट क्रेडिट कार्ड ऑफर। ठीक है, ये देखो एक तो गिफ्ट कार्ड ऑफर होती है और एक होती है क्रेडिट कार्ड ऑफर, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। अगर आप क्रेडिट कार्ड लगाया हुआ आपने और क्रेडिट कार्ड से आप बाय कर रहे हो तो आपको 5% जो है ना आपका कैश बैक बैक मिल जाता है। ठीक है, ये जो टिप है ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, ये सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ। लेक्चर देने का मेरा मकसद भी यही होता है कि एक्स्ट्रा, ये देखो वालमार्ट क्रेडिट कार्ड अर्न 5% बैक। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जब आप क्रेडिट कार्ड से लगाते हो तो आपको 5%, ये आपकी जो टोटल अमाउंट है, अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। 257 का मैं परचेस कर रहा हूँ ना इसको, तो मैं 257 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा किसके साथ, 257 मल्टीप्लाई 0.95 के साथ। ठीक है, ये मेरा 5% बनता है, मतलब कि 244 का मैं इसको बाय करूंगा। यहाँ पे परचेज प्राइस क्या लिख दूंगा, 244। ठीक है, जब मैंने ये लिख दिया तो मेरा ये देखो प्रॉफिट कहाँ तक चला गया, 31 का। ठीक है, 31 तक इसका प्रॉफिट मार्जिन चला गया इसी प्रोडक्ट का। ठीक है, जब आप क्रेडिट कार्ड से बाय करते हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 5% कैश बैक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, जब आप ये अप्लाई करोगे तो ये आपको दे देगा। अच्छा, बाज दफा क्या होता है डील्स वगैरह लगी होती है तो आपको गिफ्ट कार्ड भी मिलता है। मेरा जो क्लाइंट था वो बहुत ही समझदार था, गोरे लोग आपको पता है बहुत सारे जो है तेज होते हैं, बहुत अकलमंद होते हैं, और इन कामों में ये चीज जो है ईजाद ही उनकी है, तो वो इस काम में बड़े तेज होते हैं और होशियार होते हैं। हम लोग तो सिंपल जो है ना गूगल ही करते हैं ना, उनके पास बड़ी ट्रिक्स होती हैं, अगर उनको ना भी मिल रहा हो तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल लेते हैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स। अब ये यहाँ पे 325 का सेल हो रहा है और वालमार्ट पे 257 का, और अगर कोई गोरा होता यहाँ पे तो वो इसको $200 में या $150 में कहीं ना कहीं से निकाल लेता। ठीक है, तो उनके पास काफी सारी टिप्स होती हैं, तो उन्हीं टिप्स में से जो मैंने उनसे सीखा, अगर उसके पास था गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट कार्ड के ऊपर आपको 10% जो है वालमार्ट बैक कैश बैक देता है। मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा देता हूँ कि गिफ्ट जो है आपको, जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड का आपको बताया वैसे ही आपको यहाँ पे गिफ्ट कार्ड भी होते हैं उनके पास, जो लोग करते ही वालमार्ट से अमेज़न है उनके पास गिफ्ट कार्ड होते हैं, उनके पास प्रोमो कोड्स होते हैं, उनके पास डिफरेंट ऑफर्स होती हैं और वो ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, तो उनको जो है ना काफ़ी सारा जो है बैक मिल जाता है कैश। यहाँ पे आ जाओ आप, हॉलीडेज की जो डील्स हैं इनको रीड कर लो आप। ठीक है, डिस्काउंट 6.7%, ये इसको आप रीड कर लो, 25% ऑफ वालमार्ट गिफ्ट प्रोमो कोड, ये चीजें आप जो है इनके ऊपर ही सर्च करो, इनको देखो आप। ठीक है, उसका तो टैक्स एग्जेम्प्ट था। ठीक है, अब मैं आपको शीट में लेके आता हूँ, अगर मुझे इसके ऊपर मिल रहा है 10%, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर में आके, मैं 257 का मुझे मिल रहा था ना, ये 257 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं 0.09 से। ठीक है, गिफ्ट कार्ड के ऊपर मुझे कितना जो है मिलेगा बैक, तकरीबन जहां पे 231 का मुझे ये वालमार्ट से मिलेगा, यानी कि जो 10% है वो मुझे माफ कर देगा वालमार्ट, और 90% मेरे से चार्ज करेगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है मुझे कितने का मिलता है, 231 का था ना, अब मैं इसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन देखता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट है वो $44 के करीब चला गया। ठीक है, यही वाली चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, एक तो आप टैक्स एग्जेम्प्ट करवा लो, ये टैक्स आप जो है माफ करवा लो। ठीक है, उसके बाद आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ले लो, या आपके पास प्रोमो कोड होने चाहिए, या आपके पास गिफ्ट कार्ड होगा, तो आप जो है वालमार्ट टू अमेजोन हंटर बन जाओगे। अच्छा, अब आ जाओ मेन काम की तरफ, ये तो स्टार्ट में ही प्रोडक्ट निकल आई थी तो मैंने आपको करके दिखा दिया, अब जो मैं किस तरह से हंटिंग करता हूँ वालमार्ट में, आता हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के ऊपर, डिपार्टमेंट्स के ऊपर क्लिक करो आप, एक मिनट, ये ओपन नहीं हो रहा अभी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी मर्जी की कोई भी कैटेगरी उठा सकते हो, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ये वाली,
स्लाइस ब्रेड, कपकेक, तीन चार अपनी मर्जी की कोई भी उठा लो आप, फ्रोजन ठीक है, उसके अलावा यहाँ से आप हाउस होल्ड में से उठा लो या पेशोलॉन में से उठा लो, ठीक है। अब जो है ना आपने हंटिंग करनी है, अब मैं यहाँ से देखूंगा वो वाली प्रोडक्ट जिनकी जो प्राइस है तकरीबन $8 से अबव हो और 200 से ज़्यादा उनकी रेटिंग हो, ठीक है। तो रेटिंग तो फिलहाल मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही और प्रोडक्ट्स भी काफ़ी छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, तो मैं इनकी तरफ नहीं जाऊँगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ ये प्रोडक्ट्स, ये एक मुझे नज़र आ गया, ठीक है, उसके बाद ये भी नज़र आ गया मुझे, ये ग्रोसरी की आइटम्स है सारी। अच्छा ये भी आ गया, ठीक है, काफी सारे मैं ओपन कर लूंगा, उसके बाद जो है मैं मेन पे जाऊंगा, ठीक है। इनको कॉपी करते हुए ऊपर जो है ये एक्सटेंशंस को आपने देखना है, ये जो मैंने इंस्टॉल कर रखी है, ये वाली प्राइस लिंक वाली, डीएस क्विक व्यू और अमेजोन असिस्टेंट, ये आपकी काफी हेल्प करेंगी। ये एक्सटेंशंस कोई भी नहीं बताएगा आपको कि ये आपकी हेल्प आउट किस तरह से करेंगी। अच्छा इसको भी ओपन कर लेता हूँ मैं, आ जाओ जी अब, जो जो मैंने ओपन किया। अच्छा ये वाली जो है ये अभी तक मुझे प्राइस लिंक ब्लिंक जो है वो अभी यहाँ पे बता नहीं रहा, अगर बता देगा तो मैं इसको कंपेयर कर लूंगा, अगर कंपेयर नहीं कर सकता तो सिंपली इसको आप गूगल पे सर्च करो, ठीक है। इसको गूगल पे आके मैंने सर्च किया तो ये यहाँ पे अमेजोन पे सेल आउट नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ दो, दूसरी की तरफ आ जाओ, ठीक है, इस आइटम की इसको देख लो, अगर ये वॉलमार्ट के अलावा अमेजोन पे सेल हो रहा होगा तो आपको मिल जाए, नहीं ये भी नहीं सेल हो रहा है अमेजोन पे, इसको देख लेते। ये कैटेगरी अभी मेरे ख्याल में कोई वो वाली खुली हुई है जो अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, हम किसी और कैटेगरी में जाते हैं यहाँ पे। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में आ जाओ आप, अच्छा जरा इनको भी ओपन करके देख लेते हैं, मे बी इनमें से कोई आइटम जो है वो मुझे नजर आ जाए अमेजोन के ऊपर। प्राइस ब्लिंक जो है यहाँ पे चल नहीं रहा, काफी मर्तबा जो है ना ये जरा टैब्स ओपन करने की वजह से वो बताना छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो आइटम है ये भी अमेजोन पे अवेलेबल नहीं है, चलो एक बार एक इसका जो है टाइटल वो हम कॉपी करके अमेजोन पे जाके देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये अमेजोन पे अवेलेबल है या नहीं। नहीं वो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर अवेलेबल नहीं है जो मैंने अभी ओपन की थी, ये है होल ग्रेन्स, ये मेरे ख्याल ये वाली है शायद, गूगल दिखा नहीं रहा था मुझे यहाँ पे। तो आप सिंपल काम करो, या तो आप गूगल कर लो उसको, या तो आप सिंपली उसका जो टाइटल है वो कॉपी करके अमेजोन के ऊपर आ जाओ, जब आप अमेजोन पे आओगे तो वो आपको वहां पे मे भी मिल जाए। अब यही वाली प्रोडक्ट है, ये पैक ऑफ टू है और यहाँ पे मुझे पैक ऑफ वन मिल रहा है, ये कितने का, $17 का, ठीक है, और ये अमेजोन पे सेल हो रहा है पैक ऑफ टू 24 का, तो इसमें मुझे प्रॉफिट नहीं है। अगर 17 का मुझे एक मिलता है और अमेजोन के ऊपर ये सेल हो रहा है 24 का, तो 17 को मल्टीप्लाई कर लो 2 से तो 34 बनता है, तो इसमें मुझे लॉस होगा, ठीक है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ टैब्स ओपन किए हैं, मैं उनको मैं क्लोज कर दूँ। अच्छा ये है 88 का मिल रहा है, इसको देख लेते हैं, प्राइस लिंक यहाँ पे आपको अगर प्राइस शो ना करे तो आप एक बार जो है स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल अप करोगे तो मे बी वो आपको शो करते हैं, अगर शो नहीं हो रहा तो आप सिंपली इसका टाइटल कॉपी करके अमेजोन पे आ जाओ, ठीक
पिक्चर को एक बार अच्छी तरह देख लो, देखने के बाद अमेजोन पे आ जाओ आप, इसको यहाँ पे सर्च कर लो अमेजोन पे आके। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको सर्च किया, अच्छा अब ये जो आइटम है ना, काफी बार ये देखो यहाँ पे, इसका आप टाइटल रीड कर लो अच्छी तरह से। टाइटल रीड करने के बाद फिर आप अमेजोन के ऊपर, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं नीचे जाता हूँ, मैं भी कोई और भी नजर आ जाए मुझे, इसको भी ओपन कर लेते हैं, मैं भी इसकी वेरिएशन में पड़ा हूँ। अच्छा ये है पीजीए टूर जूनियर 7 पीस क्लब सेट लार्ज 18-12 GS1 सीरीज, ठीक है। इसकी जो पिक्चर है इसको भी देख लेते हैं अच्छी तरह से, और इसको अमेजोन के ऊपर मेरे लिए थोड़ा सा। अच्छा आप ये देखें, ये वाला जो आइटम है यहाँ पे 49 का मिल रहा है, ये वाला यहाँ पे 49 का मिल रहा है, और यही वाला आइटम मैंने अमेजोन पे सर्च किया है, ये 49 का मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसी आइटम को हम जो है अगर यहाँ से सर्च करें, गूगल करें, तो मे बी ये वाला हमें किसी और वेबसाइट से सस्ता मिल जाए, ठीक है। तो सिंपली आपने गूगल करना है ये टाइटल जो है, ये कहाँ गया, ये वाली लिस्ट ओपन करके इसका टाइटल आप गूगल कर लो, मे बी ये किसी होलसेलर से या रिटेलर से हमें $40 का या $50 का मिल जाए। अब ये मैंने गूगल किया, यहाँ पे आ जाओ आप, ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ये अवेलेबल है यहाँ पे। अच्छा उसके बाद तकरीबन इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, अच्छा यहाँ पे 27 पाउंड से 59 पाउंड में मिल रहा है, तो डॉलर्स में हमें चाहिए, तो इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं, कोई और देखेंगे हम। यहाँ से काफी सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ओपन कर लो, जब आप ओपन करोगे तो फिर ही आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने एक आपको ब्रांड का नेम बताया मेन स्टेज का, ठीक है, इसको मैं गूगल भी कर लेता हूँ और इसका टाइटल जो है मैं अमेजोन पे भी सर्च कर लेता हूँ। हंटिंग थोड़ी सी टफ है वॉलमार्ट से अमेजोन, लेकिन जब आपको प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, ठीक है। अभी तो मैं खुद जानबूझ के जो है थोड़ा बहुत टफ मेथड दिखा रहा हूँ आपको। जब मैंने जो आपको वो मेथड बताया था कि जिसमें जो है आप उस किसी भी सेलर का जो है वो, आप उसकी जो आईडी है वो उसका सेलर का पूरा स्टोर आप विजिट करते हो, तो उसमें आपको काफी आसानी हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक सेलर है जो कि वॉलमार्ट से अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, और आपने उसका एक प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट आपने उसका फाइंड कर लिया, आप उसका पूरा स्टोर विजिट करो, वो जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट करके बैठा होगा उसमें से 70 से 80% जो आइटम होंगी ना उसकी, वो सारी वो वॉलमार्ट से कर रहा होगा या डिफरेंट वेबसाइट से कर रहा होगा, और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। और ये वाला आइटम हमें कितने का मिल रहा है, यहाँ पे 19 का मिल रहा है, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं इसको अमेजोन पे, अमेजोन पे ये नहीं पड़ा होगा, इसको मैं गूगल पे देखता हूँ, ये वॉलमार्ट पे अवेलेबल है और इसके अलावा कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, ये ग्लव्स हैं,
ये कंपेयर प्राइस ये चल पड़ा है हमारे पास, ये अमेजोन पे अवेलेबल है 19.97 का, ठीक है। ये देखो ये जो अब जो एक्सटेंशन है वो आपको बताने लग पड़ी है, ये ईबे के ऊपर मिल रहा थोड़ा सा सस्ता, ठीक है, ईबे के ऊपर $19 का और अमेजोन पे तकरीबन सेम प्राइस में ही मिल रहा है हमें। यहाँ पे आ जाते हैं ये वाला आइटम आप देख लो ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, ये ईबे के ऊपर अवेलेबल है 245 में, और अमेजोन पे सर्च करके देख लेते हैं इसको। अमेजोन पे ये आ गया मेरे ख्याल में, एक तो जो पिक्चर्स हैं उनको अच्छी तरह से देखना पड़ता है। ये है, ये यहाँ पे मिल रहा है गोल्फ क्लब सेट राइट हैंडेड, ठीक है, और यहाँ पे देख लो आप गोल्फ सेट क्लब बैग, ये फॉर लेडीज है। तकरीबन सेम ही चीज है, मुझे तो सेम लग रही है, देखो अब यहाँ पे क्या। नहीं, उसमें और इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो ये काफी मरतबा आपको प्रोडक्ट्स ऐसी मिलती हैं। अभी कल एक स्टूडेंट है वो मुझसे इसी चीज का डिस्कस कर रही थी कि मुझे जो प्रोडक्ट है वो सस्ता मिल रहा है और बिल्कुल सेम पिक्चर। अब ये देखो यहाँ से मैं 3 4 बार आपके सामने मैंने जो है ना ये वेबसाइट ओपन की है, 3 से 4 बार, देखो इसका कलर और इसका कलर बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो ऊपर ये जो लोगो बना हुआ है ना इनका, ये जो ये मेरे ख्याल में ग्लासेस की तरह का यहाँ पे बना हुआ और यहाँ पे नहीं बना हुआ, ठीक है। तो इस चीज को आपने गौर से देख लेना, ये ना हो कि डायमेंशन डिफरेंस हो, काफी बार डायमेंशन का डिफरेंस जो है फर्क आ जाता है वहां पे, और काफी बार लोगों का फर्क आ जाता है, लेकिन चीज बिल्कुल सेम नजर आ रही होती है। तो ये इस चीज का ख्याल रखना है आपने, अच्छी तरह से देख लेनी है, ठीक है। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको देख लेता हूँ, ये ईबे पे मिल रहा है 225 का, यहाँ पे ये मिल रहा है 197 का, इसको अमेजोन पे देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल में अमेजोन असिस्टेंट ये हमें बता रहे हैं, ये अमेजोन पे भी 197 का ही बिक रहा है ये वाला, ये देखो अमेजोन असिस्टेंट भी हमें बता रहा है, ठीक है। तो इसको फिर भी हम कॉपी करके अलग से देख लेते हैं अमेजोन पे अवेलेबल है या नहीं। ये अभी मैं एक कैटेगरी में कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो है कैटेगरी चेंज करके ग्रोसरी में, हाउस होल्ड में, इधर उधर जब बेबीज के आइटम्स हैं या दूसरी आइटम्स हैं उनमें आपने करना है, ठीक है। इसको गूगल करके देखते हैं, ये वॉलमार्ट पे, ये देखो ये यही वाली जो आइटम है ये अमेजोन पे अवेलेबल है, ठीक है। ये इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ओपन करके मैं देखता हूँ ये यहाँ पे फिलहाल करंटली अनअवेलेबल, ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई सेलर भी नहीं बैठा होगा, ठीक है, तो इसको हम मीटो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब बेटर क्या चांस रहेगा, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, तो आप क्या करो डिपार्टमेंट्स में आओ, यहाँ पे आके आप कैटेगरी चेंज कर लो, कैटेगरी चेंज कर लो आप यहाँ से पेट्स में आ जाओ, पेट्स में आके आप जो है कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट कर लो और अपनी मर्जी की जो है कैटेगरी चेंज करके आप कर लो हंटिंग। लेकिन जो बेसिक जो यहाँ पे चीज है वो आपको समझनी चाहिए कि आपको टैक्स एग्जेम्प्ट करवाने के बाद और 5% जो है क्रेडिट कार्ड का वो आपको लगाने के बाद जो आपको जो बचता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो सारा आपने कैलकुलेट करना है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे ये शीट में सिर्फ आपने क्या चेंजिंग करनी है, एसएन की जगह पे आप लिख दो वालमार्ट URL और यहाँ पे अमेजोन URL, ठीक है। बाकी यहाँ पे टैक्स जो है ना उसका फार्मूला जो है उसको चेंज कर लो आप, 6.3 या 6.5 कर लो इसको, तकरीबन इतना ही आपको टैक्स पड़ता है जब आप वालमार्ट टू अमेजोन करते हो, ठीक है। यही आपने चेंजिंग करनी है, और उसके अलावा जो मैंने आपको जो ये एक्सटेंशन बताई हैं आपने उनको फॉलो करने है, उनको फॉलो करने के बाद आपने हंटिंग स्टार्ट कर देनी है। वॉलमार्ट टू अमेजोन का जो तरीका है बिल्कुल सेम यही तरीका है, सिंपली आप जो है एक अकाउंट बना लो, ठीक है, ये बिल्कुल फ्री में बन जाता है, यहाँ पे कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। आप रजिस्टर करो USA का कोई भी, आप जो है कोई भी फेक या किसी भी होटल का जो है आप एड्रेस उठा के वहां पे प्लेस कर दो और आपकी आईडी बन जाएगी, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ही बनाई है, सेम ऐसे ही बनी है। आपको ईमेल देना और एड्रेस देना और उसके बाद आप जो है अकाउंट बना लेते हो, यहाँ पे शिपिंग आपको बता देता है, आपको
टैक्स बता देता है और ये सब कुछ है, ठीक है। बात सारी है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, टाइम लगाने के बाद जो है ये एक्सटेंशन आपकी हेल्प करेंगी और यहाँ से आप कैटेगरी से कैटेगरी चेंज करो जैसे मैंने। अच्छा एक और तरीका आपको बताऊं, आप अमेजोन पे सर्च करके ना, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ये देखो एक टेक्निक बता रहा हूँ, बेस्ट सेलर में आओ आप, बेस्ट सेलर में आके मूवर एंड शेकर में आना है। मूवर एंड शेकर में क्या होता है कि 24 घंटे में जो आइटम्स आपके सेल होते हैं ना, 24 घंटे में जो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट सेल होते हैं मूवर एंड शेकर में आते हैं। अब ये जितने भी प्रोडक्ट मेरे सामने लिस्टेड है ना, ये सारे के सारे 24 घंटे में सबसे ज्यादा सेल इन्हीं की हुई है। तो आप पता क्या काम करो, यहाँ से आप आओ अमेजोन के ऊपर, अमेजोन के ऊपर आके आपने यहाँ से ग्रोसरी कर लो या होम एंड किचन कर लो। मैं होम एंड किचन कर लेता हूँ, तो होम एंड किचन में मैं देखता हूँ ये सारी आइटम ये 24 घंटे के अंदर अंदर इनकी बहुत ज्यादा सेल हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिंपली जो है 3 4 प्रोडक्ट्स ओपन कर लेता हूँ। ये वाली ओपन कर ली मैंने, या ये वाली भी कर ली, और इनको मैं जाके ना उसके ऊपर सर्च करूंगा वॉलमार्ट के ऊपर। ये वाली ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये 4 5 मैंने सर्च कर ली, वॉलमार्ट टू अमेजोन करना है, और अमेजोन से क्या पता आपको यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिल जाए। अब यहाँ पे ये कंपेयर प्राइस का आ गया, ये ईबे के ऊपर अवेलेबल है और वे फेयर के ऊपर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये कितने का मिल रहा है यहाँ पे, ये फिलहाल यहाँ पे 21 का मिल रहा है मुझे, ठीक है। ईबे से मुझे 19 का मिल रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट मुझे पता चल गया ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये समरी बता रहा हूँ आपको मैं लेक्चर की। ये देखो ये मैंने की हुई है ना ये एक्सटेंशन, अब ये मुझे क्या बता रहा है ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। ईबे पे 40 का है, ये सारी वेबसाइट्स आ गई जहाँ जहाँ से मुझे मिल सकता है। आ जाओ, ये यहाँ पे 39 का 40 का सेल हो रहा है, और यहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट बाकी सारी वेबसाइट से भी 40 का मिल रहा है। अगर आपको यकीन नहीं आता कि वॉलमार्ट पे है या नहीं, इसका टाइटल कॉपी करो, वॉलमार्ट पे आके खुद आप यहाँ पे सर्च कर लो। सर्च करोगे उसकी पिक्चर को देख लो और इसकी पिक्चर को देख लो। ये मेरे ख्याल में कोई वेजिटेबल चॉपर है, बिल्कुल अच्छा ये यहाँ पे मिल रहा है आपको, ऑलमोस्ट कोई 40 का मिल रहा है, वही चीज है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप हंटिंग कर सकते हो, अमेजोन पे प्रोडक्ट देखो और वहां पर भी देखो। अच्छा इसको दोबारा से कर लो, अगर यहाँ पे ये प्राइस ब्लिंक रन नहीं कर रहा, देखो यहाँ पे इसने मुझे प्राइस ब्लिंक नहीं, उनकी प्राइस बताई है, अगर यहाँ पे नहीं बता रहा तो आप सिंपली टाइटल कॉपी करके वॉलमार्ट पे जाके सर्च कर लो या गूगल कर लो, गूगल भी कर लो। गूगल करने के बाद मुझे यहाँ पे पता लग जाएगा ये वेफेयर पे अवेलेबल है, और जो आपकी वेबसाइट है ना उसके आगे .com लिखा हुआ आना चाहिए जहाँ से आपने बाय करना है, ठीक है। आमतौर पे जो हंटिंग होती है इसी तरह से होती है, और 24 24 घंटे जो है लोग हंटिंग करते हैं उसके बाद जाके प्रोडक्ट्स मिलती हैं, और 24 घंटे में जो प्रोडक्ट्स मिलती है, मैं आपको बताऊं हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग हंटिंग करते हैं वॉलमार्ट टू अमेजोन या ईबे टू अमेजोन, तो हम लोग तकरीबन 15 से 16 घंटे हंटिंग करते हैं वीकेंड के ऊपर। तो हम अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स को तकरीबन हम पूरा वीक लगाते हैं, ठीक है। 1 वीक लगाने के बाद हम अगर उन पे हमें सेम प्रॉफिट आ रहा हो तो ठीक है, वरना हम वो लिस्ट में डिलीट करके अगले हफ्ते हम दोबारा से हंटिंग करते हैं, ठीक है। हंटिंग के ऊपर आपको टाइम देना होगा, हंटिंग के ऊपर ऑलरेडी अपनी लिस्ट में प्रोडक्ट्स भर के रख लो, पूरा वीक चलाओ उनको, क्योंकि डेली कोई ना कोई नया सेलर आके बैठा होता है। अब ये प्रोडक्ट है इसके ऊपर देख लो 2 सेलर बैठे हुए हैं, ठीक है। 24 घंटे के बाद कोई और सेलर आ जाएगा जो जो इसको 11 का सेल करेगा या 10 का सेल करेगा। इस तरह से आपका प्रॉफिट जो है वो डाउन से डाउन होता रहता है और आप लॉस में आने लग जाते हो। जब आप लॉस में आते हो तो आपको वो एटलीस्ट वो प्रोडक्ट जो है वो आपको डिलीट करना पड़ता है अपने अकाउंट के ऊपर से, ठीक है। ये भी एक टिप है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा अब मैंने आपको सामने हंटिंग की, लेकिन मुझे पहली बार ही प्रोडक्ट मिला, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला, ठीक है। तो आपको जो मैंने टेक्निक बताई है उसको आप फॉलो करो, ठीक है। अमेजोन पे भी आओ और वॉलमार्ट पे भी जाओ, दोनों तरफ आप देखो। अब इस प्रोडक्ट को मैं गूगल कर लेता हूँ, मे बी ये वॉलमार्ट पे अवेलेबल हो यहाँ पे। देखो ये वॉलमार्ट पे अवेलेबल है, लेकिन वो कलर वो वाला नहीं है, वहाँ पे रेड कलर है और यहाँ पे ग्रे कलर मिल रहा है मुझे। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ये कितने का मिल रहा है, $15 का मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है 37 का। ये 20 इंचज है, ये 26 में ये वाली जो प्रोडक्ट है इसको कंपेयर कर लेते हैं, ये अमेजोन पे मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये प्रोडक्ट जो है ये वॉलमार्ट के ऊपर मैंने वहां से टाइटल कॉपी किया, अमेजोन पे ये वाला 26 का सेल हो रहा है, यहाँ पे 37 का सेल हो रहा है, ठीक है। मे भी थोड़ी बहुत डायमेंशन का डिफरेंस हो,
या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे भी चेक करवा सकते हो, अच्छी तरह से आपने प्रोडक्ट को देख लेना है। हंटिंग का जो मेन मकसद है ना, मेन मकसद एक तो आप ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करो, ठीक है, और आप सोचो कि किस तरह से आप टैक्स कम से कम कर सकते हो, वॉलमार्ट से आप प्रोडक्ट कितना सस्ता ले सकते हो, ठीक है। ये कैटेगरी तो कैटेगरी वेरी करता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने करना है बिजनेस ड्रॉप शिपिंग का, तो आप एक सर्विस को पकड़ो, या तो ईबे टू अमेजोन करो, या अमेजोन टू अमेजोन करो, या आप वॉलमार्ट टू अमेजोन करो, किसी एक सर्विस को पकड़ो। ये ना हो कि भाई मैं वॉलमार्ट से भी ले लूं, जैसे सनी अली भाई कहते हैं कि एक एक प्रोडक्ट के ऊपर काम कर लो, एक बिजनेस पे काम कर लो टिक के, ठीक है। इधर उधर अगर छलांगे लगाओगे तो हर तरफ से फेलियर ही मिलेगा आपको। एक तरह से कर लो, वॉलमार्ट से अमेजोन कर लो, या सेम से अमेजोन कर लो, या अमेजोन टू अमेजोन कर लो। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ अमेजोन टू अमेजोन, ठीक है। अब कोई प्रोडक्ट, अब इसी प्रोडक्ट को मैं अमेजोन टू अमेजोन भी देख लेता हूँ कि मे बी ये मुझे वहां पे सस्ता मिल जाए। मैं यहाँ पे प्राइम पे आके आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया मुझे प्रोडक्ट मिल गया था, लेकिन अभी मुझे प्रोडक्ट जो है अभी तक नहीं मिला, ठीक है। मैंने आपके सामने रिसर्च की, ठीक है। तो इसी तरह से आपको टाइम लगाना होगा, कैटेगरी से कैटेगरी आप जो है चेंज करो, ठीक है। ये बेस्ट मेथड मैंने आपको बताया है। आप और यहाँ पे बेस्ट सेलर में, मूवर एंड शेकर में आओ, यहाँ से आपको बेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे जिनकी एक दिन की सेल 10 से 12 यूनिट है। यहाँ पे आ जाओ, मूवर एंड शेकर जेरा, और यहाँ से कैटेगरी उठाओ, यहाँ से भी आप करो और वॉलमार्ट से भी आप करो। ये ग्रोसरी की आइटम जो है, अभी मैं आपको घर के दिखाता हूँ। ये ग्रोसरी की आइटम्स हैं, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, इसको ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे यकीन है ये जो दूसरी वाली आइटम है, ये मैंने ओपन की, ये लाजमी वॉलमार्ट पे अवेलेबल होगी। अगर वॉलमार्ट पे नहीं होगी तो ये तो उधर कहीं ना कहीं पे सैम पे अवेलेबल होगी। पैक ऑफ 40 है, और इसके साथ भी आई थिंक सेलर बैठे हुए हैं, दो सेलर बैठे हैं इसके साथ, ठीक है। पहले ये चीज कंफर्म कर लो। ये मुझे कहाँ से मिल रही है, ईबे से मिल रही है 24 की। अगर ये मुझे मिल जाती है वॉलमार्ट से, ये मैं अगेन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाओ, क्योंकि हंटिंग करते हुए जो है काफी सारे दोस्त भूल जाते हैं। पैक ऑफ 40 है, देखो ये यहाँ पे अवेलेबल है ये प्रोडक्ट 34 में। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये देखो ये 40 ounces, ठीक है, और ये अमेजोन पे कितने का मिल रहा है मुझे, यही वाला आइटम, ये देखो यहाँ पे ये 17 का है, ठीक है। यहाँ पे 17 का सेल हो रहा है, और वॉलमार्ट के ऊपर यही वाली प्रोडक्ट 34 की सेल हो रही है। इसको देख लेते हैं, मे बी ये डबल ना हो। प्रोडक्ट तो वॉलमार्ट के ऊपर पड़ा होगा ना, ये है हार्वेस्ट 40 ounces का, और ये अमेजोन पे मिल रहा है आपको 17 का। वन ओंची बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, लेकिन वॉलमार्ट पे महंगा बिक रहा है और अमेजोन पे सस्ता बिक रहा है। तो आप अमेजोन टू वॉलमार्ट भी कर सकते हो इजीली, आप अमेजोन टू ईबे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये चीज माइंड में आती है, जितनी रिसर्च करोगे, अब मेरे जहन में ये बात नहीं आ रही थी, ठीक है। ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट मैंने सर्च किया आपके सामने, यहाँ पे मुझे सस्ता मिल रहा है और वॉलमार्ट के ऊपर मुझे महंगा मिल रहा है, ठीक है, और ईबे के ऊपर भी मुझे महंगा मिल रहा है। ये प्राइस आपके सामने है, मैं यहाँ से अमेजोन से बाय करूंगा, क्या पता ये मुझे उसके ऊपर जो है प्राइम के ऊपर और सस्ता मिल जाए। मैं इसको प्राइम के ऊपर देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे 17 का मिल रहा है तो प्राइम के ऊपर अगर ये मुझे 10 का मिल जाता है तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। नहीं, यहाँ पे 17 का ही मिल रहा है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा जितनी रिसर्च करोगे उतना आप आगे जाओगे, यही बात है मेन, ठीक है। प्रोडक्ट मुझे पहली बार मिल गया था, मैंने आपके सामने जो है उसको करके दिखा दिया, अभी फिलहाल मुझे प्रोडक्ट नहीं मिला। तो आप कोशिश करो कि आपको प्रोडक्ट मिले, अगर प्रोडक्ट नहीं मिलता तो मेरे पास 3-4 प्रोडक्ट्स पड़े हैं, वो मैं लिंक यहाँ पे नहीं दिखा सकता आपको, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जानी है तो लोग जो है प्रोडक्ट्स चोरी कर लेते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको वो लिंक नहीं दिखाऊंगा। आपको अगर चाहिए तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको 3-4 लिंक दिखा देता हूँ। तो वॉलमार्ट से आपको सस्ता मिल रहा है और अमेजोन पे महंगा बिक रहा है, आपको बेटर जो है वे में समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और टेक्निक आपको पता है, मैं टेक्निक हमेशा लेक्चर के एंड में बताता हूँ। अब ये जो सेलर है, ठीक है, सपोज करो कि इसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इस प्रोडक्ट में, मैं क्या करूँगा, इसका जो है स्टोर पूरा का पूरा विजिट करूँगा, ये अमेजोन सेल कर रहा है, सॉरी,
ये वाला जो है ये भी अमेजोन सेल कर रहा है। कोई ऐसा सेलर हमने फाइंड करा है जो कि FBM हो, ये देखो सोल्ड बाय, ठीक है ये आइटम है, सपोज करो इसके ऊपर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन है। मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे 11 का मिल रहा है और वॉलमार्ट पे आपको 3 से 4 डॉलर का मिल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये जो बंदा है ये ड्रॉप शिपर है, ड्रॉप शिपर है, और इसके पूरे स्टोर में जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स होंगे। 100 में से 80% चांसेस हैं। अब मैं इसकी प्रोडक्ट्स विजिट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से आपने करना। और हर एक के ऊपर ये मैंने आपको डीएस क्विक व्यू बताई हुई है एक्सटेंशन, इसको देखते हुए आप सेलिंग रैंक देख सकते हो, जिसका सेल रैंक जितना डाउन होगा वो प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा। अब ये देखो स्टार्ट में जो सेल रैंक आपको नजर आया है, अब आपने यहाँ से कौन सी आइटम्स देखनी है जिनका सेल रैंक 20,000 से कम होगा, ठीक है। अब मैं इसको उठा लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करके इसको एक मिनट ओपन करना पड़ेगा, इसके साथ सेलर मेरे ख्याल में नहीं है, तो आप एक मिनट हम यहाँ पे देख लेते हैं कोई ऐसा सेलर ओपन करते हैं जो कि FBM सेलर हो और उसके पास सारे के सारे ड्रॉप शिपिंग के आइटम। अच्छा अभी ये मैंने एक सेलर फाइंड किया जो कि सारे ग्रोसरी के आइटम सेल कर रहा है, ये देखो जिनका सेल रैंक, देखो इनका कितना डाउन है सेल रैंक, ये देखो किसी का 1,000 से ऊपर है ही नहीं, ऊपर वाले जितने भी मैंने आपको दिखाए हैं, ये देखो 226, 1,000 और 633, ठीक है। और नंबर वन वाला भी ये सेल कर रहा है ये वाला, ठीक है। अब इसको आप सैम क्लब पे भी देख सकते हो, ठीक है, ये सोल्ड बाय अमेजोन है, सॉरी। अच्छा जो तो अमेजोन का होगा हम उसको बेट नहीं कर सकते, हमने FBA सेलर या FBM सेलर वाले देखने हैं यहाँ पे। सेल रैंक जो अब ये देखो सोल्ड बाय अमेजोन भी है और इसके साथ 7 सेलर हैं, ठीक है, तो इसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे 1 FBA सेलर है, इसको देख लो आप, ये आप सैम पे भी करके देख लो, इसको आप वॉलमार्ट पे भी करके देख लो, इसको आप ईबे पे भी करके देख लो, ठीक है, लेकिन इसके साथ वेट नहीं कर सकते आप यहाँ पे। लेकिन कंपेयर प्राइस आ गया, ये 36 का ईबे से मिल रहा है और यहाँ पे भी 36 का है, तो ये करने से आएगा आपको। अब इसके साथ 2 सेलर हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ये 7 FBA सेलर्स, ठीक है, इसको ओपन करके देख लो आप। ये हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ईबे से मिल रहा है 18 का और यहाँ पे 14 का सेल हो रहा है, इसका पूरा आप टाइटल उठा लो। आप कोशिश करो कि ऐसे किसी भी सेलर का जब आप स्टोर विजिट करोगे तो वहां पे FBM सेलर होने चाहिए, FBA सेलर्स ना हो ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि आपको आइटम जो है कहीं से भी मिल सकता है, सैम क्लब से मिल जाए, आपको वॉलमार्ट से मिल जाए, या आपको ईबे से मिल जाए, या किसी और रिटेलर से मिल जाए, या अमेजोन प्राइम से मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा आइटम था, ये वाला था केक वाला, तो इसको मैंने वॉलमार्ट पे देखा है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वॉलमार्ट के ऊपर वो, ठीक है, तो आप इसको सैम पे देखो, सैम पे देखने के बाद जो है इसी तरह से स्टोर विजिट करो आप, क्योंकि ये बड़े बड़े ड्रॉप शिपर यहाँ पे बैठे होते हैं FBM वाले। अब जैसे कि ये FBM एक सेलर है, ठीक है, इसका पूरा स्टोर विजिट कर लो, इस तरह से काफी सारे जितने भी आप देखोगे ना बड़े बड़े जो ड्रॉप शिपर यहाँ पे बैठे हैं, वो सारे वो वाले प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं जिनमें उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा होता है, या तो वो सैम्स क्लब से मिल रहा होता है वो प्रोडक्ट, या तो वॉलमार्ट से मिल रहा होता है, या किसी भी रिटेलर से या किसी भी वेबसाइट से यहाँ से आपको मिल रहा होता है, ठीक है। ये बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ये आपने खुद करनी है, मेरा काम है आपको अच्छी तरह से बता देना। अब मैंने आपको मेथड बता दिया, अब आपने खुद सेलर फाइंड करने हैं, खुद आपने जो टाइटल है उसको गूगल करना है, गूगल कर लो, वॉलमार्ट पे कर लो, सैम क्लब पे कर लो, अमेजोन प्राइम पे जाके कर लो, हंटिंग मैंने आपको सिखा दी, बाकी हमारे 2-3 लेक्चर रहते हैं हंटिंग के, ईबे वाला रहता है और एक दो और लेक्चर्स हैं वो भी हम करेंगे, ठीक है, लेकिन अब ये डिटेल में आपने करना है, ठीक है। तो अभी आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, बाकी मैं आपको पैकेजिंग का बता दूं कि वॉलमार्ट टू अमेजोन पैकेजिंग के जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, उनको आपने किस तरह से हैंडल करना है, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था सैम क्लब टू अमेजोन जब आप करते हो तब आपने किस तरह से हैंडल करना है, या तो आप जो बायर है उसको इस तरह से कह दो कि भाई मेरा जो स्टोर का नाम है वो वॉलमार्ट के नाम से, ठीक है,
और हम लोग जो है वालमार्ट की ही आइटम सेल करते हैं, ठीक है। अगर वो इस पे मादा ना हो, नंबर टू क्या आपने उसको कहना है, आपने उसको कहना है कि मैं जो हूँ एक रिटेलर हूँ, एक होलसेलर हूँ, मैं डिफरेंट जो है होलसेलर से प्रोडक्ट उठाता हूँ उनकी पैकेजिंग में, और उसी पैकेजिंग में आगे जो है आपको डिलीवर कर देता हूँ। नंबर थ्री, अगर वो नहीं मान रहा तो आप उसको कहो कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये थी कि आपको टाइम टू टाइम प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर दिया जाए, ताकि आपके पास प्रोडक्ट जल्दी पहुंचे, शिपमेंट का इश्यू ना आए, लेट शिपमेंट का इश्यू ना आए, ठीक है। इस वजह से हमने आपको जो प्रोडक्ट है वालमार्ट से लेके भेजा, ठीक है। तो ये जो बहाना है ये बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यूएसए में हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हम हमेशा यही वाला मैसेज करते हैं कि आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू शिप द प्रोडक्ट ऑन टाइम टू टाइम, ठीक है। टाइम पे हमने डिलीवर करना है आपको, तो इसलिए हमें ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था अमेजोन पे या हमारे वेयर हाउस में, इसलिए हमने आपको किसी थर्ड पार्टी से लेके भेजा है। नंबर फोर, अगर वो ना मान रहा हो तो उसको आप रिफंड देने पे राजी करो कि भाई 5% रिफंड ले लो, ठीक है। अगर वो नहीं मान रहा तो पांचवा ऑप्शन यही बचता है कि आप उसको कहो कि भाई प्रोडक्ट रख ले अल्लाह के नाम पे और ये पैसे भी रख ले, ठीक है। पांचवा ऑप्शन यही होता है, ये ना हो कि वो क्लेम कर दे अमेजोन को और अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर दे, ठीक है। तो ये पांच जो है ये मैं मैसेज आपको बताए हैं, लास्ट टाइम भी यही मैंने आपको मैसेजेस बताए थे, ठीक है। बाकी आप अगर खुद से और अच्छे क्रिएट कर लो तो आप ज्यादा बेटर ड्रॉप शिपर बन सकते हो, और मैं भी कुछ मैसेज आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा जो कि हम बायर को हैंडल करने के लिए बताते हैं, ठीक है। और अमेजोन टू अमेजोन पे आपको इस तरह के बहाने नहीं बनाने पड़ते, जब आप वॉलमार्ट टू अमेजोन करते हो या सैम से अमेजोन करते हो तब आप कस्टमर को हैंडल करते हो, तब आपके पास बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस आते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से उनको जो है बातों को गोल मोल करके जो है ना उनको हैंडल कर लेते हो, ठीक है। बाकी ये लाजमी कर लेना, ये तीन एक्सटेंशन आप कर लोगे तो आपके लिए हंटिंग आसान हो जाएगी। अगर ये नहीं करोगे तो आप इधर उधर भटकते रहोगे, तो जो आप 2-3 घंटे लगाओगे, 2-3 घंटे में 3-4 प्रोडक्ट ही निकाल सकोगे, ठीक है, वॉलमार्ट टू अमेजोन के लिए। बाकी अपने क्लाइंट से जब भी आपने बात करनी है उसे कहना कि टैक्स एग्जेम्प्ट हो, तो क्रेडिट कार्ड उसका लगा उसमें बैलेंस जो है अराउंड अबाउट 10 से 15 हज़ार डॉलर के करीब होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अच्छा, जब आपने क्लाइंट से बात करनी है तो आपने उसे यही कहना है कि भाई टैक्स एग्जेम्प्ट करवा के दो, मुझे क्रेडिट कार्ड लगा के दो, अगर तुम्हारे पास गिफ्ट कार्ड है तो भाई बिस्मिल्लाह करो, आ जाओ वॉलमार्ट टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करते हैं। इसके अलावा भी गोरों के पास बहुत ज्यादा ट्रिक्स होती हैं, हम पाकिस्तानियों को तो सिर्फ यही पता है कि यहाँ से उठाओ गूगल करो, और वो लोग जो हैं ये सेम क्लब से अमेजोन जो है पाकिस्तान में काफी सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है शिपिंग वो काफी दफा पे करनी पड़ती है, काफी दफा वो ट्रिक्स लगा के कर लेते हैं लेकिन उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। ये सेम क्लब भी पकड़ लेता है, वॉलमार्ट भी पकड़ लेता है और अमेजोन भी पकड़ लेता है, लेकिन जो गोरे लोग हैं उनके पास अथेंटिक और A to Z जो है उनके पास अच्छी टेक्निक्स होती हैं, तो हमेशा गोरे लोगों के साथ काम करो, ठीक है। मेरे पास जो टेक्निक थी वॉलमार्ट में अमेजोन की 3 से 4 मैंने आपको बता दी कि टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है। काफी सारे लोग कहते हैं कि वॉलमार्ट टू अमेजोन टैक्स एग्जेम्प्ट नहीं होता, तो भाई मेरे हो जाता है। गिफ्ट कार्ड आप ले लो, गिफ्ट कार्ड ले लो, कूपन्स ले लो, डिफरेंट प्रोमो कोड्स आपको मिलते हैं वो ले लो, ठीक है। वो आप अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई जब आप करते हो तो शिपिंग आपको फ्री मिल जाती है, टैक्स आपका फ्री हो जाता है, आपको कैश बैक भी मिल जाता है, मतलब 29 का मिल रहा है ये वाला वॉलमार्ट पे अगर, तो ये आपको 25% इसके ऊपर अगर आप कूपन लगा देते हो तो ये राउंड अबाउट कोई 21 डॉलर के करीब ये वाला प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, तो कैश बैक आपको मिलता रहेगा और आपको प्रॉफिट होता रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। सेशन हमारा आज का इतना ही था, ठीक है, वॉलमार्ट टू अमेजोन का। इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे ईबे टू अमेजोन, ठीक है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 था, कल हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा।